गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम काई स्क्वायर टेस्ट पार्ट टू के बारे में पढ़ेंगे द वैल्यू ऑफ़ काई स्क्वायर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्लासेस और इन अदर वर्ड्स ऑन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द क्रिटिकल लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्रिटिकल लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करता है काई स्क्वायर इज गल टू समीशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ए और इसको कहेंगे समेशन एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू आर माइनस वन आर इक्वल टू रो एंड सी माइनस वन सी इक्वल टू कॉलम फॉर एग्जांपल आर बी सी इज काउंट लैक्स पर एम एम क्यूब एंड हीमोग्लोबिन परसेंटेज ग्राम पर हंड्रेड एम एल ऑफ फाइव हंड्रेड परसेंट ऑफ़ टेस्ट लोकेलिटी वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज जब पाँच सौ जनों का पाँच सौ लोगों का आर बी सी काउंट और हीमोग्लोबिन परसेंटेज रिकॉर्ड किया गया तो, तो जो रिजल्ट था उसमें ये देखना था कि इस दे आर एनी सिग्निफिकेंट रिलेशन Between RBC count and hemoglobin percentage, find it by इट बाई काई स्क्वायर मैथड इसको काई method मैथड से याद करना था तो इसके लिए हमें क्या करना है सबसे पहले टू टेबल्स यहाँ पर बनाएंगे और टू टेबल्स में आप देखेंगे कि आर बी सी जो है एक तो अबो normal और बिलो नॉर्मल तो अबव नॉर्मल में आपके पास जो एक्सपे ऑब्जर्व ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी थी वो वो इजकअल टू एटी फाइव सेवेंटी फाइव ओ इक्वल टू वन सिक्सटी फाइव एंड वन फाइव थी अब इससे हम क्या करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन एन रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन एन यहाँ पे आ जाता है तो हर एक स्क्वायर के अंदर हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो यहाँ पे रो टोटल है टू फिफ्टी इंटू कॉलम टोटल है जो रो टोटल है और कॉलम टोटल 160 सिक्सटी डिवाइडेड बाई फाइव सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें रो टोटल है 250 फिफ्टी इंटू वन सिक्सटी अपॉन फाइव तो यहाँ पे दोनों आ जाता है 80, 80 आ गया इसी तरह से यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप लेते हैं तो 250 फिफ्टी इंटू थ्री फोर्टी अपॉन फाइव तो ये आ गया 170. सेवेंटी यहाँ पर टू फिफ्टी इंटू थ्री फोर्टी अपॉन फाइव ये यहाँ पे आ जाता है 170। सेवेंटी ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डेटा जो ऊपर वाली आपने एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज की जो टेबल बनाई है उसके बेसिस पे आप अब सेकेंड टेबल प्रिपेयर करते हैं तो फर्स्ट टेबल में आपने क्या लिखा फर्स्ट कॉलम में आप लिखते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है 85, 165, 75, 175 ठीक है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो आपने निकाली वो है 80, 170, 80, 170 ओ माइनस ई ओ माइनस ई आपने किया 85 फाइव माइनस एटी फाइव वन सिक्सटी फाइव माइनस वन सेवेंटी फाइव 75 फाइव माइनस एटी माइनस फाइव वन माइनस वन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर किया तो 25, 25, 25, 25 आ गया ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय E. तो यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय E तो ये आ गया 0.31. 25 डिवाइडेड बाय E 170, 0.14. 25 डिवाइडेड बाय E 80. तो पॉइंट थ्री वन और ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय वन सेवेंटी तो पॉइंट वन फोर ये यहाँ पे आ गया तो समेशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई इसका जब समेशन किया तो ये आ गया ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन यहाँ पर जीरो पॉइंट जीरो नाइन यहाँ पर आ जाता है अब हेयर आप देखेंगे कि हेयर डिग्री ऑफ़ फ्रीडम डिग्री ऑफ़ फ्रीडम इज कल टू टू माइनस वन इन टू टू माइनस वन इज कल टू वन यहाँ पर आ गया अब यहाँ पे डिग्री ऑफ़ फ्रीडम है वन और जब आप इसको ज़ीरो पॉइंट ये आप देखिए जीरो पॉइंट ज़ीरो पॉइंट फाइव प्रॉबेबिलिटी पे जब आप इसको देखेंगे वन को देखेंगे तो आपके पास फिगर आता है ये जो फिगर आ रहा है ये है थ्री पॉइंट एट फोर यहाँ पर फिगर आता है तो एट फाइव परसेंट लेबल एट फाइव परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ टेबल वैल्यू ऑफ का स्क्वायर एट वन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ये आपके पास जो आता है वो ये एट इतने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपके पास आता है ये आता है जीरो पॉइंट ये ज़ीरो पॉइंट नाइन ज़ीरो आपके पास आता है जो कि आप कैलकुलेटेड जो सॉरी जो टेबुलेटेड वैल्यू है उससे काफ़ी कम है तो जब इट इंडिकेट्स दैट हीमोग्लोबिन परसेंटेज एंड आर बी सी काउंट आर फुली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर क्योंकि वो टेबलेटेड वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू काफ़ी कम है इसलिए ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और आप ये मान सकते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज मच लेस दैन टेबलेटेड वैल्यू द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीकुन्सीज इज़ नॉट सिग्निफिकेंट तो ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं है दैट्स ऑल थैंक यू